रोहित दीदी कहाँ? बस आती होंगी बेटा, आप खाओ तब तक। करूँ ये बिना रास पर से। अरे देखो रोहित दीदी आप कहाँ थे? आप लेट हो गए। अब बेहू एक्चुअली मैं ना किसी काम में फंस गई थी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके बेहू, तुम बैठ के खाओ, पापा को रोहित दीदी से कुछ बात करनी है, अभी आते। ओके वाओ बेहू, बहुत यम्मी लग रहा है, चलो हम आते। रोहित वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पापा आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, इनफैक्ट आई एम ओनली सॉरी, मैं ही बहुत अनरीजनेबली बिहेव कर रही थी। पापा आपको शिमा से डिवोर्स लेना है ना, आप ले रहो, कब तक आप दोनों ऐसे रहोगे? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे तुमसे कोई और बात करनी है, तुम लगी पापा आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, आपको शिमा से डिवोर्स लेना है ना, जाओ लो डिवोर्स, क्योंकि आपको भी तो अपनी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर चाहिए ना पापा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आपको चिंता हो रही होगी कि आदि भैया क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे। पापा मैं सबको समझा दूंगी, और आपके लिए तो ना मैं मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल भी बना दूंगी। मैं और श्वेता कभी डिवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे को, समझे? शट अप। मुझे पता है पापा। ये मैं तुम्हें पता है मतलब? ओह गॉड। पापा इस माने मुझे सब कुछ बता दिया। और तो फिर ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? क्यों ना करूं? आप दोनों मिलके पूरी फैमिली को इतना तंग कर सकते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल अपनी मां पे गई हो तुम। पापा, I'm really sorry. मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे पापा और मेरे इश्मा एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। I'm sorry. It's okay. अच्छा पापा, I think कभी मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। मैं पीहू के साथ जाती हूँ, आप दोनों एंजॉय करो। ओके चलो 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 मिस्टी कर, चलो मजा आया। चल जा यार मद्रास से, यार बच्चों को तो बिगाड़ना बंद कर। इतनी बड़ी हो गई है देखा दीदी, ये फ्लावर्स किसके लिए, कौन लाया? ये फूल सिमी दी के लिए आए हैं, नन्हे बेबी। अच्छा मम्मा के लिए? इसमें भी से खुद ही पूछ ले। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा, तू द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। वाव, वाव कितनी प्यारी ड्रेस है, ओह माय गॉड सो लवली। मम्मा ने मेरे लिए इतनी प्यारी ड्रेस ली, मैं भी उन्हें पहन के दिखाऊंगी। यस नीलू, ये ले, मैं सब्जी वगैरह ले आई हूँ, फटाफट काट के बना ले सब। ठीक है मम्मा। मम्मा थैंक यू सो मच, आई लव दिस ड्रेस, मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, आई लव यू। कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। अच्छा तो गिफ्ट मिला इसलिए मम्मा से इतना सारा प्यार हो रहा है। वैसे मैं भी आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आज आपने मेरा दिन स्पेशल बनाया, मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, और इसीलिए मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आ गई। अरे मम्मा आप तो स्पेशल ही हो, आई लव यू। अच्छा मैं अपने दोस्तों को ये ड्रेस दिखा के जा। मम्मा ने ऐसा क्यों कहा? जैसे उन्हें गिफ्ट मिले इसलिए उन्होंने गिफ्ट दिए, मैंने तो मम्मा को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। मैं भी जाकर पूछती हूँ, एक काम करती हूँ बाद में पूछ लेती हूँ, अभी जाती हूँ।